शहर के सबसे पुराने इलाके मनीमारा जो कि ऐतिहासिक शहर भी है, इसमें गंदगी का ये आलम है कि सड़कें हर तरफ फूटी हुई हैं, व्यापारियों की कोई सुविधाओं का ध्यान नहीं है, व्यापारी खुद परेशान है। बार बार अधिकारियों से राजनेताओं से बातचीत करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। आज हम आए हैं मनीमारा पिपली वाला टाउन में, जहाँ पर लगभग 700 दुकानें हैं और इन 700 व्यापारियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसको लेकर कई बार वो प्रशासन से मिल भी चुके हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने सांसद से लेकर मेयर तक को भी इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं, समाजसेवी खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल मनीमारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एस एस पुराने जी। आप बताएंगे कि मार्केट में क्या क्या समस्या चल रही है? समस्या रोड दियाँ 8 महीने हो गए ने, जदों इलेक्शन हुआ सी एक मनोज अग्रवाल ने एक सड़क कहने से साढ़े जो कमाई से लैके ਘਰੋਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਤਨਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕੋਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਾਕੀ अभी हमारे साथ एक व्यापारी सुभाष कुमार जी। सुभाष जी, क्या आपकी क्या समस्या है? सुभाष कुमार, ऑल मनीमाजरा वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। मनीमाजरा की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। पिछले अंडर ब्रिज से लेकर थाने के चौक के इंदिरा कॉलोनी सारा मनीमाजरा में सड़कों का बुरा हाल है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को बोला गया, एरिया काउंसलर को बोला गया, सड़कों का कोई भी इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है और सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, इतना बुरा हाल है। बरसात का मौसम है, मच्छर डेंगू आदि का इतना मच्छर फैल रहा है, कोई दवाई छिड़काव नहीं किया जाता, कोई कुछ नहीं। सरकार तो अभी मलेरिया वैक्सीन है जो वो पॉजिटिव भी कर रही है, वो दावा कर रही थी पॉजिटिव की जा रही है, की जा रही है, कुछ नहीं है। एक आधी बार छिड़की होगी पर प्रॉपर वे में कहीं नहीं छिड़की गई। इंदिरा कॉलोनी, पिपली वाला टाउन, माड़ी वाला टाउन, अदर एरिया में सब जगह ऐसा मच्छरों की भरमार है, गंदगी के ढेर हैं। कोई अभी हम बात करते हैं शांति जी। शांति जी, आपकी क्या समस्या है? व्यापारी आप क्या प्रशासन से क्या मांगते हैं? कोई मनीमाजरे में समस्या बहुत अंबार है, बहुत समस्या है मनीमाजरे में, कोई समस्या हल नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर अब पाइप पे डाल के गए हैं, सारे फुटपाथ टूटे पड़े हैं। यहाँ मर्जी देख लो, रोड में जहाँ भी पाइप डाली है 2 साल हो गए पाइप डालने को, अभी तक उसका रिपेयर नहीं हुई। और गंदगी बुरा हाल, गंदा पानी आ रहा है, बरसात का मौसम है, इतना पानी ओवरफ्लो रोडों के ऊपर पचलता है, कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। आपने इस समस्या को लेकर अधिकारी से बात? समस्या हमारे जो के प्रधान है, उन्होंने बड़ी समस्या उठाई है। अफसर खुद इस रोड के ऊपर जाते आते हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि रोड का क्या हाल है। बस और मैं चले गए, रोड का इस टाइम बहुत मनीमारे ढीलों से लेकर अंडरपास तक बुरा हाल है रोड का। तो आइए बात करते हैं समाज सेवी, और ये समाज सेवी भी हैं और व्यापारी भी हैं, रमेश उर्गिरी जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मनीमारे में समस्या ही समस्या है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ गंदगी इतनी है, यहाँ गंदगी सुबह 11 बजे तक कोई मतलब जो दुकानदार अपना कूड़ा घेरना होता है, कोई ट्रैली तक नहीं आती 11 बजे तक। इतना बुरा हाल है, जो यहाँ अफसर लगा रखे हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है। उनको मैंने कई बार फोटो डाली है, वीडियो डाली बना के, तब भी वो उनके जो स्लीपर हैं वो भी नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अपने आप उठा लो। पर गोविंद रोहिला जी का तो कहना है कि यहाँ पर सैनिटेशन की गाड़ियाँ चलती हैं, वो प्रॉपर सीधे आके घर घर से पूरा उठाते हैं। मैं आपको देविंदर जी को भेजी हुई वीडियो दिखा सकता हूँ, जो मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजी है, और जो मैंने भेजी है तो भेजने के 2-2 दिन बाद आगे कूड़ा उठाते हैं। आप शांति नगर गली नंबर 5 के बाहर जाओ, सामने रिमोट स्कूल है जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं,
और वहाँ गंदगी के ढेर 11 अब भी अभी से टाइम भी वहाँ पे गंदगी के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ अपने जबकि जो बूढ़े ये पैसे ले रहे हैं लोगों से, ये पानी में लग के आ रहे हैं, डाल से लिख के आ रहे हैं और पानी का बिल इतना कर दिया इन्होंने। हमारे यहाँ तो मनीमारे में मैं कहता हूँ पहले एक कौंसल रहता था, एक कौंसल में जिस समय सुरेंद्र सिंह जी मेयर बने थे उन्होंने मनीमारे का थोड़ा सुधार किया था, उन्होंने शिवाजी गार्डन मनीमारे को दिया। उसके बाद यहाँ 3 कौंसलर हो गए हैं और यहाँ की मेयर भी हमारे यहाँ की मेयर है। मुझे तो शर्म आती है कि हमारे यहाँ की मेयर होते हुए मनीमारे में एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया 8 महीने में। 8 महीने हो गए उनका मेयर बने हुए और 3 कौंसलर हैं यहाँ पे, एक भी नहीं, 3 कौंसलर, 3 कौंसलर होते हुए यहाँ कोई काम नहीं कर सके। जो लंबित पड़े हैं कार्य उनमें कोई ऐसी खुशी है जिसमें कोई काम हुआ है? चाहे इन्होंने जो पानी के पैप डाले हैं वो स्मार्ट सिटी में डाले हैं, वो इनमें कॉर्पोरेशन का कोई हक नहीं है। वो जो मर्जी कहें कि हम करवा रहे हैं वो स्मार्ट सिटी के अंदर पैप डाल रहे हैं और वो पैप भी इतना हल्का डाल रहे हैं कि पूछो मत, बिल्कुल ऊपर ही डाल दिया। टूटते रहेंगे, लोगों के कनेक्शन टूट रहे हैं और गंदा पानी आ रहा हर में। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कुत्तों की और पशुओं की है। इतने पशु यहाँ पे आवारा हैं, उनको जो गाड़ी वाले आते हैं उन्होंने आज तक मनीमारे से कोई पशु नहीं उठाया। सुबह की गाड़ी आती है, फिर लोग नहा के निकलते हैं, सुबह की गाड़ी आती है उनके ऊपर पानी छिड़कती है, वो किसी का पानी है नहाने के लिए? बंदा बाहर आके नहा ले, घर पे क्यों नहाएगा? उनका गंदा पानी के कपड़ों पर गिरता है, सारे कपड़े खराब होते हैं। ड्राइवर ब्लैक, हमने अपने पैसे देकर नहीं करवाए हैं, हम लोग उनको कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं। तो जैसे कि 8 महीने हो गए हैं मेयर साहब हुए, कोई तो काम उन्होंने किया होगा कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट ले आ रही है, ये कुछ कर रहे हैं, आपकी कभी बात नहीं? आप झंडे चेक कर लीजिए, जितने 8 झंडे पड़े हैं 8 महीने में, मनीमारे का एक भी झंडा दिखा दो, ये झंडा मनीमारे का है, उसमें ये कर रहे हैं। और नक्शों में पूरी में बना रखा कि हम यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वो चंडीगढ़ प्रशासन का है, वो टाउन प्लानर का नक्शा है, वो इनका नहीं है। इनको चाहिए था कि कोई चीज़ लेके आते यहाँ पे, यहाँ पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो यहाँ ऐसे लोग दबा के बैठे हैं, कब्जे कर रखे हैं, जगह उनकी नहीं है, स्टे ले ली उन्होंने, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। अरे कॉरपोरेशन बिल्कुल सो रही है, जबकि यहाँ के मेयर साहब लोकल होने के नाते उन्हें सब पता है कि किसने इंक्रोचमेंट किया और किसने नहीं किया। एक दिन सफाई हुई है जब इन्होंने 30 का त्यौहार मनाया सफाई गार्डन में, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू का दूर की भाई, उस दिन 2 दिन इन्होंने पूरी सफाई की है। दिल्ली अफसरों ने आना है, देखना है, 30 का त्यौहार पूरी फटाफट ने किया हुआ है और उसके बाद कोई यहाँ पर सुनाई नहीं है किसी की भी। तो सफाई सफाई व्यवस्था तो बुरा हाल है। तो आइए बात करते हैं इन समस्याओं को लेके, आपने कोई मैंने तो नहीं की, जो साड़ी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसीएशन आ बार बार अधिकारियों को मिलते रहे हैं, उस मेमोरेंडम देते रहे हैं पर अजे तक कोई कार्रवाई नहीं। मनीमारे की हालत 300 दिन जी बदतर बनती जा रही है, क्योंकि सफाई और सड़क दोनों ही जड़ियाँ चिरमरा गई है। इन्हों की व्यवस्था इन्हों ठीक करने की लड़ आ, मेयर एक उम्मीद बनी थी जहाँ कि एक मेयर हो, मेयर बनी नीदा के उत्ते पानी फिर, इसलिए हाले भी 3-4 महीने है सड़क का सुधार किया जा सकता, सफाई का सुधार किया जा सकता। तो और भी समस्या पानी की है, जैसे पानी का जरा वधिया अरेंजमेंट किया जा सकता पर अभी तक किसी ने कोई ऐसे नगर निगम बात की थी रहती कि हमारे बहुत से कार्य कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं जो कि गंदगी फैली नहीं, दो रुपये गंदगी उठाने के लिए घर घर बंदे जाते हैं, जब घर घर से पूरा उठाने कर्मचारियों का ठीक है। सुबह सवेरे थोड़ी देर दिखाई देते हैं, मेन रोड पे झाड़ू फेरा और कूड़ा कट्ठा कर दिया, 11-12 बजे तक कूड़ा पड़ा रहता, उठाने के लिए जब गाड़ी आती है उठा लेती है। पर जो बीच वाली गलियाँ उसमें गंदगी है, कई कई महीनों तक वहाँ पे झाड़ू नहीं कट्टा, गलियाँ की व्यवस्था ऐसी। तो मनीमारा एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ एक समय में मनीमारा की अपनी छाना चौकत होती थी, लेकिन इस तरफ मनीमारा की तरफ नगर निगम का प्रशासन का कोई जोर चीज चल रहा। हाँ एक चीज़ और भी छूट गई है कि यहाँ पर एक बस स्टैंड हुआ करता था, वो बस स्टैंड का क्या? अरे मैं आपको उसकी गर्दनियाँ हाल तो बताता हूँ। एक दिन यहाँ भी SHO की और DSO की मीटिंग हुई है, उसमें भी मुद्दा उठाया गया, वहाँ भी स्टेडियम का अड्डा बना हुआ है, वहाँ सुबह बच्चे जाता है, वहाँ पर कोई बेंच है और एक टीम की चक्कर जो कि मेरे का 10 साल या 20 साल पुरानी है वो पड़ी हुई है,
एक भी बस स्टॉपेज मनी मारे में नहीं है जहाँ पे लोग खड़े होके बस खड़ा हो, मतलब बस खड़ी हो जाए और वहाँ पे लोग बैठ जाएं, एक भी बस स्टॉपेज नहीं है। एक ही है बस स्टॉपेज, वो सिर्फ जहाँ बसें खड़ी होती हैं, जैसे बस अड्डा लगा लो या कुछ भी लगा लो। मनी मारे में कहीं भी, चाहे वो कोटर कम्प्लेक्स है, चाहे वो इंदिरा कॉलोनी है, चाहे बिकली वाला टाउन है, चाहे माड़ी वाला टाउन है, चाहे अपना जहान की बस खड़ी होती थी पहले समाधि गेट है, कहीं भी एक भी जगह बस स्टैंड नहीं है हमारे कारण। ये अपने आप एक मुद्दा है कि मनी मारा में लगभग बस स्टैंड से टाउन में आने में 3 या 4 स्टॉपेज पड़ती है, लेकिन इस जगह पर ना तो कोई स्टॉपेज है, ना ही कोई बस अड्डा बस को रोकने के लिए प्रॉपर जगह बना रखी है। ये अपने आप में एक समस्या है। इसको लेकर आपने मेरे साथ मेरे साथ से नहीं मिले, हमने सिटी के कई बार लिख के दिया, और जब यहाँ पहले जो इससे पहले मेयर थे हमने उनसे भी मिले थे, जो जो सरकारी छुट्टी में रोते थे या जो भी थे उन सबके देखिए हम मिले थे उनसे, हमने कहा मनी मारे के अंदर एक बस स्टॉपेज बनाया जाए अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ, वो कहते जी हमारे पास जगह नहीं है। मैंने कहा जहाँ जगह पड़ी है वहाँ बना दो, जहाँ सुवाली गार्डन के बाहर इनके बढ़िया जगह वहाँ क्यों नहीं बना देते, समाधि गेट के पास पड़ी है इनके पास, इंदिरा कॉलोनी में जाओ वहाँ पड़ी है जी। लेकिन ये अपने फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हमने इन्होंने किसी तरह स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने ले लिया मनी मारे को, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी नहीं, ये गंदगी सिटी है। काम की आप तो सिटी में भी रहे हो, तो सिटी का क्या प्रोसीजर होता है बस का? सिटी एक तो सानू ट्रैफिक वालों ने मंजूरी चाहिए है, और एक सानू ये एडमिट भी अभी तक बना देंगे, और अच्छा भी अभी इतिहास जो बाहर चले गए वो केंद्र प्रशासन जान कारण भी मंजूरी नहीं मिलता। बाकी रही सड़क की गल, सड़क कटी आ, रोड आ, मैं क्या कि असली पर्सनल मिल के टैक्सियां के कोल उस टाइम है उन्हें थोड़े जे खड्डे भराए आ, बाकी कुछ काम नहीं किया। तीसरा ट्रैफिक की जो अभी कही है ना समस्या, एक तो ट्रैफिक जरा अंदर आता वा मनसा और देवी तो मंदिर तो बाहर निकल जाए, दूजा जरा मनसा देवी तो ट्रैफिक ये अड्डे निकल जाए, ये जो मसले दो हल हो जाएंगे तो चंगी मनी माजे का ट्रैफिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ मेयर साहब का घर है एक बार आप वहाँ जाते ना, उसके घर के आसपास के शॉट लेके आए, वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं गोविंदपुर में, पानी चल रहा है, ओवरफ्लो हो जाएगी। इस टाइम जब पानी आएगा ना तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है जहाँ मेयर साहब का घर है। तो आपका कहने का मतलब चिराग अंधेरे, चिराग नीचे अंधेरा, मेयर के घर के पास भी गंदगी का पूरा अंबार है, इसके बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई की कोई मंजर नजर नहीं आ रहा। मनी मारा में अपने आप में समस्याओं का अंबार है, जिसे लेकर ना तो प्रशासन, ना ही नगर निगम और ना ही कोई नेता कोई किसी प्रकार की चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं करमजीत सिंह, अज प्रकाश, चंडीगढ़ लाइव। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।